is Mukul Sharma aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. से पहले once again I would like to congratulate each and every member of the Stuff Listings Army. आज सुबह 9 बजे हमने giveaway रखा था Amazfit Bip S smartwatch का. And honestly मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सुबह की जो 12 बजे वाली video थी उसमें भी ये बात बोली थी कि अगर 12 बजे तक हमारा जो target था 1500 retweets का वो reach नहीं होता तो आप video देखने के बाद Twitter पे जाके retweet करके giveaway में participate कर सकते हो. But यार आपके ये जो text of है इसके आने से पहले ही 2 घंटे में 1500 छोड़ो 1900 कुछ रीट्वीट्स हो चुके थे. एंड स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी और अमेज़फिट बिप एस दोनों ही कीवर्ड्स अभी तक दैट मींस यू नो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 2:50 हुए अभी भी ट्रेंड कर रहा है. सो सच इज द पावर ऑफ स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी. गिव अवे के लिए जो मैंने आपको प्रॉमिस की है, जो एक वॉच और साथ में अलग अलग गुडीज वगैरह, जल्द ही उनके विनर्स की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी. आज के स्टार्ट करते हैं ओप्पो के साथ. ओप्पो रेनो 4 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाली है इस हफ्ते चाइना में. कंपनी ने इसके बारे में ऑफिशियली प्रमोट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया चाइना में, बट दैट इज नॉट दैट रेलिवेंट टू अस. इंडिया में ये सीरीज जल्दी आने वाली है, उसके बारे में आपको जल्दी ही एक न्यूज ला के दे दूंगा. बट एज ऑफ नाउ ओप्पो फाइंड X2 और ओप्पो फाइंड X2 प्रो स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है. 17 जून को ये दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे. एंड अगर हम प्राइसिंग की बात की जाए, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यार आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा ही प्राइसिंग देखने को मिलेगी. सो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से सेट कीजिए. 70,000 की रेंज में जो भी ये स्मार्टफोन्स होंगे. प्राइसिंग में आपको एक्चुअल प्राइस तो नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, बट ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज होने वाली है जो कि आपको 17 जून को इंडिया में देखने को मिल जाएगी. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं. कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द स्टफ यू शुड नो, जो हमने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया टेक स्टफ में. 82% लोग कह रहे हैं इट इज गुड, इट इज ग्रेट रादर उन्होंने कहा है. एंड यस, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद स्टफ यू शुड नो. बट एक और चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा. दिव्य शाह एक जो स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी की मेंबर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा आज यू नो ट्विटर पे डीएम करके मेरे को एक अल्टरनेटिव बताया था स्टफ यू शुड नो का. अल्टरनेटिव नहीं, एक बेटर तरीका बताया था हमारे लिए चीजें शॉर्ट रखने का. उन्होंने बोला कि आप एक कमेंट कर दिया करो, उस कमेंट के नीचे बहुत सारे लोग, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं स्टफ यू शुड नो के लिए अपने FAQs वगैरह सेंड करने में, आप वहां पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो दैट यू नो वो सारा स्कैटर ना हो जाए, एक पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा, कमेंट थ्रेड रहेगा जहां पे सबको पता होगा कि यार स्टफ यू शुड नो में जितने भी FAQs हैं या जितनी भी नई नई डिड यू नो वाली चीजें हैं वो वहीं पे देखने को मिलेंगी. सो आज 2 कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. एक तो पिंड कमेंट होता है, उसके साथ आपको दूसरा कमेंट देखने को मिलेगा जहां पे आपने हैशटैग स्टफ यू शुड नो करके अपने जो भी एंट्रीज वगैरह है वहां पे सबमिट करनी है. और आज की वीडियो का पॉल आपके लिए है कि Amazfit Bip S स्मार्ट वॉच जो कि आज लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, और Realme वॉच भी कल सेल पे जाने वाली है, आपकी नजर में इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में विच वन डू यू थिंक विल बी द बेटर वन आउट देयर? डू लेट अस नो द पोल अप अबव. आगे बढ़ते हैं एप्पल की तरफ. एप्पल की तरफ से एक इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है. एप्पल का जो अपकमिंग iPad 4 होने वाला है उसके बारे में पता चल रहा है कि इसमें हमें एक 11 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही साथ USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगी. एप्पल के जो भी एग्जिस्टिंग iPads वगैरह जो मेरे पास भी पड़ा हुआ है उनमें प्रोप्राइटरी जो लाइटनिंग केबल होता है एप्पल का वो लगता है, बट अब जो अपकमिंग iPad होगा उसमें आपको एक टाइप सी यूनिवर्सल केबल यहां पे पोर्ट देखने को मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं LG की तरफ. LG V40 ThinQ स्मार्टफोन को अब Android 10 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है जो कि Verizon वाले जो करियर वाले जो LG V40 बाउंड स्मार्टफोन्स हैं उनमें तो आ ही गया है. अभी इंडिया में तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इफ इन केस यू लिव इन द US आपके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज हो सकती है. अगर हम वियरेबल्स की बात करें तो अगली न्यूज हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज एज पर द लेटेस्ट एनालिसिस इंडिया में वियरेबल्स की शिपमेंट 4.2 मिलियन यूनिट्स हो चुकी है Q1 2020 में. दैट मींस अभी जो पहले 3 महीने थे 2020 के उसमें 4.2 मिलियन स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट बैंड्स वगैरह सेल ऑलरेडी हो चुके हैं. दैट इज अ रिकॉर्ड एंड इंडिया में 80.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एज पर IDC's रिपोर्ट. दैट मींस Q1 2019 में जितनी सेल्स हुई थी इंडिया में Q1 2020 में उससे 80.6% ज्यादा ग्रोथ हुई है. दैट सर्टनली शोज कि यार स्मार्ट वॉचेस और वेरेबल इन टोटल का कितना क्रेज इंडिया में बढ़ता जा रहा है. आई बिलीव जो वेरेबल्स हैं उनका क्रेज थोड़ा सा ज्यादा यहां पे आ रहा है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? आपको स्मार्ट वॉचेस ज्यादा पसंद है या स्मार्ट बैंड्स? डिपेंडिंग ऑन यू नो फीचर्स स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसेस डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आगे बढ़ते हैं Huawei के सब ब्रांड Honor की तरफ. Honor ने फाइनली Honor Play 4 और Honor Play 4 Pro स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया चाइना में. 6GB 128GB जो वेरिएंट है Honor Play 4 का उसका प्राइस है युआन 1799 या फिर इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें समवेयर अराउंड 20,000 का आपको ये देखने को मिल सकता है.
8GB, 128GB, Yuan 1999, that is somewhere around 22 to 23,000 in India. Honor Play 4 Pro की अगर हम बात करें तो इसका जो 8GB 128GB वेरिएंट है उसका प्राइस लगा गया Yuan 2899 somewhere around 30 to 31,000 rupees in India. Specifications features मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं Vivo की तरफ. 91 Mobiles की तरफ से एक एक्सक्लूसिव लीक निकल के आया आज की अगले हफ्ते Vivo इंडिया में Vivo Y30 और Vivo Y50 स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है. इनकी प्राइसिंग जो होगी 15 से 20,000 के बीच में होगी. सो मिड रेंज स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे. अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन Vivo स्मार्टफोन्स आपके लिए अच्छी न्यूज हो सकती है. एंड इफ यू आर अ पर्सन जो ऑफलाइन मार्केट में से स्मार्टफोन्स वगैरह परचेज करता है उनके लिए तो जल्दी ही ये स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं Lenovo की तरफ. एंड Lenovo की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है. आपको पता ही होगा Lenovo का अपकमिंग Legion गेमिंग स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. एंड राइट अहेड ऑफ द लॉन्च हमने इसको स्पॉट कर लिया है Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे. Qualcomm Snapdragon 865 एंड 8GB RAM इसमें आपको देखने को मिलेगी. सो वंस अगेन Lenovo का जो Legion स्मार्टफोन है जल्दी ही आने वाला है. Geekbench पे आ चुका है. जल्दी आपको बाकी सर्टिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगी. स्पेसिफिकेशंस फीचर्स जैसे जैसे मेरे को मिलती जाएंगी मैं आपको कंफर्मेशन देता रहूंगा. गेमिंग स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करें तो Asus का ROG Phone 3 स्मार्टफोन भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. एंड जस्ट लाइक द Lenovo Legion गेमिंग स्मार्टफोन Asus ROG Phone 3 का एक नया मेमोरी वेरिएंट आज Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे हमने स्पॉट किया है. 12GB रैम और 865 इसमें प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है. सो जल्दी ही Asus का ROG Phone 3 स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ. एंड Realme की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं Realme के एक अनरिलीज स्मार्टफोन की जिसकी एक फोटो लीक हुई थी Vivo पे. मैंने भी ऑफकोर्स ट्वीट किया था इसके बारे में. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जिस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं. ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ यू विल बी फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर पिक्चर. और मैं बहुत खुश था कि यार Realme की जो डिजाइन लैंग्वेज है वो फाइनली चेंज होने वाली है. ये देखो ये आपका Realme XT, Realme 6, Realme X50 Pro, Realme X3, X3 Super Zoom सब यही चल रहा है. सो वो जो एक नया स्मार्टफोन का एक यू नो एक नया डिजाइन था आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि ये स्मार्टफोन जो होगा ये थोड़ा बहुत Realme की डिजाइन लैंग्वेज को चेंज कर देगा. थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर देगा बिकॉज इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक द Oppo Reno 2 स्मार्टफोन जो कि मेरे को ऑनेस्टली बहुत पसंद है. बट कल फ्रांसिस वैंग ने जो कि Realme के CMO है ऑफकोर्स उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया कि ये जो स्मार्टफोन है ये इमेज जो है ये फेक नहीं थी. इट वॉज इनडीड अ रियल लिजिटिमेट इमेज बट बिकॉज इस पर्टिकुलर डिजाइन में ज्यादा बैटरी नहीं आ सकती और बैटरी उनको छोटी करनी पड़ती इसलिए उन्होंने इस डिजाइन को स्क्रिप ऑफ कर दिया और ये डिजाइन वाला स्मार्टफोन Realme का नहीं लॉन्च होगा. अब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि यार इस चीज में मैं कैसे रिएक्ट करूं. मे बी यू नो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यस Realme डिड नॉट वांट कि एक छोटी बैटरी वाला स्मार्टफोन हमें देखने को मिले बट यू नो इट डजंट मेक सेंस. Oppo Reno 2 का भी डिजाइन वैसा था. एंड डिजाइन की बात की जाए यू कैन पुल ऑफ एनीथिंग. इट्स अगेन R&D एंड आप कर सकते थे. अगर आप ये स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहते यू कुड हैव डन इट इजिली बट स्टिल ये Realme का डिसीजन है. और आपको इस डिसीजन के बारे में क्या लगा? हो सकता है बैटरी वगैरह के जो भी इश्यूज थी बट डिजाइन मेरे को बहुत पसंद आया था. आपको क्या लगा Realme के इस अपकमिंग स्मार्टफोन को डिसकंटिन्यू या फिर यू नो ना रिलीज करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आगे बढ़ती है Realme के अपकमिंग X3 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स की तरफ. सुबह की जो 12 बजे वाली वीडियो थी, सुबह तो नहीं रह जाती बट 12 बजे वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि Realme X3 के 3 अलग अलग मॉडल नंबर्स Google के जो सपोर्टेड डिवाइसेस की लिस्ट होती है वहां पे लिस्ट हो चुके हैं. 2081, 2085, 2086 ऑफकोर्स RMX. तो ये जो तीनों स्मार्टफोन्स हैं अब गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे भी आ चुके हैं. तीनों की स्पेसिफिकेशंस कुछ थोड़ी बहुत हमें पता चली जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. सो एज इट टर्न्स आउट Realme RMX 2081 और 2085 में आपको 8GB रैम देखने को मिलेगी जबकि 2086 में 12GB रैम देखने को मिलेगी. 12GB रैम वाला जो वेरियंट है वो ऑफकोर्स Realme X3 सुपर जूम है. अब यहां पे प्रोसेसर सेम है, स्क्रीन साइज सेम है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है. दैट इज Qualcomm Snapdragon 855 प्लस ही देखने को मिल रहा है बिकॉज Adreno 640 GPU और जो SM जो करके जो मॉडल नंबर है वो Snapdragon की 855 सीरीज से बिलोंग करता है. अब ये मेरे को यहां पे समझ नहीं आ रही कि ये तीन अलग अलग स्मार्टफोन्स हैं या फिर Realme X3 Super Zoom के ही तीन अलग अलग मेमोरी वेरियंट्स को उन्होंने लिस्ट कर रखा है. चांसेस आर हाईली अनलाइकली कि ये Realme X3 Super Zoom के ही तीन अलग अलग मॉडल नंबर हो बट ऐसा हो भी सकता है. सो दिस इज समथिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा. बहुत सारे आपको यू नो टेक न्यूज वगैरह बोलेंगे तीनों के तीनों स्मार्टफोन्स आ रहे हैं. ऑफकोर्स मैंने भी आपको कल ये बोला था कि तीन अलग अलग मॉडल नंबर्स कंफर्म हुआ है. आज भी मैं ये कह रहा हूं कि ये मॉडल नंबर्स अलग अलग हैं बट जब तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी या फिर एक यू नो और मेरे को कहीं कहीं मैं सर्टिफाई वगैरह जो सर्टिफिकेशन वगैरह ढूंढता हूं वो मैं ढूंढ नहीं लेता. मैं आपको वायदे से नहीं बोल सकता ये बात कि ये तीनों स्मार्टफोन्स अलग अलग हैं. अभी के लिए आप ये लेके चलो कि Realme के X3 सीरीज के तीन मॉडल नंबर सर्टिफाई हुए हैं. तीनों की स्पेसिफिकेशंस फीचर्स हमें कुछ देखने को मिल रही है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं.
आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ. एंड यस, बहुत सारे दिनों से लोग पूछ रहे हैं कि पोको के बारे में कोई न्यूज नहीं निकल के आ रही है और आप बात नहीं कर रहे हो पोको के बारे में. फाइनली पोको ने स्टार्ट कर दिया अपने अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करना. द नेक्स्ट पोको इन इंडिया इज कमिंग सून, ये आई गेस ये ट्वीट किया कंपनी ने आज. यस, द नेक्स्ट पोको फॉर इंडिया इज कमिंग सून. एंड पोको का जो ऑफिशियल हैंडल था उन्होंने उसको चेंज करके अब लिख दिया है पोको फॉर इंडिया. पहले था पोको इंडिया, नाउ दे आर सेइंग इट्स पोको फॉर इंडिया. इट्स ओनली बिकॉज बहुत एक थोड़ा सा बैड सेंटिमेंट जाता जा रहा है आजकल चाइनीज कंपनीज के लिए, तो हर कंपनी अपनी तरफ से ट्राई कर रही है अपने आप को जस्टिफाई करने की, तो उन्होंने इस नाम को चेंज कर दिया. एंड अगेन मैं इस चीज में नहीं पढ़ने वाला, आई डील विद टेक्नोलॉजी नॉट विद कंट्रीज. तो जहां तक बात की जाए पोको के अपकमिंग प्रोडक्ट की, आपको अगले हफ्ते तक कुछ अनाउंसमेंट मिलने के चांसेस हैं एंड आपको एक दो दिन में मेरी तरफ से भी कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा. नेवरतलेस पोको का अपकमिंग प्रोडक्ट जल्दी ही आने वाला है. अभी के लिए मुझे लग रहा है कि TWS आएंगे पहले, पोको M2 प्रो और पोको F2 उसके बाद आने के चांसेस हैं, जैसे मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं. बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पोकोज लेटेस्ट अनाउंसमेंट? पोको ने जिप्स मीम्स वगैरह भी देने स्टार्ट कर दिए हैं. एंड यस, बहुत टाइम से, पिछले एक महीने से मैं भी बोलता आ रहा हूं कि यार पोको थोड़ा सा ज्यादा लेट कर गया, ये कर गया वो कर गया, बट दिल से मेरे को भी पता है जब पोको स्टार्ट करता है तो वो ढंग से स्टार्ट करता है. एंड यू नो ट्विटर पे जब ट्रेंडिंग वगैरह की बात आती है तो हमारे बाद स्टफ लिस्टिंग आर्मी के बाद पोको ही आता है. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर यू नो न्यू रिटर्न और दिस कमबैक फ्रॉम पोको? अब पोको की तरफ से आपको रोज कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है. आर यू एक्साइटेड और नॉट? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. और वीडियो खत्म करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें. सबसे पहले थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में भी आपको मैं एक सेकंड की एक क्लिप दिखाऊंगा, एक फोटो दिखाऊंगा. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कुछ वहां पे हिंट देखने को मिला कि नहीं मिला. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द पोको लवर्स, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. एंड साथ ही साथ आई वुड लाइक द एंटायर स्टफ लिस्टिंग आर्मी टू विश नरेश पाथुरी एंड IM@ATHER, इनका नाम एक्चुअली मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बट उनका भी आज बर्थडे है. इन दोनों ही लोगों का आज बर्थडे है. एंड आई वुड अगेन सजेस्ट, रिक्वेस्ट एंड होप कि हम सारे लोग इनको विश करें बर्थडे. बर्थडेज आर ऑलवेज स्पेशल और स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी की जो ट्रेडिशन है उसको हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे. जिसका भी बर्थडे होगा विल डेफिनेटली विश यू नो ऑल द पीपल ऑन ट्विटर एज वेल एज ऑन टेक्स्ट स्टाफ. वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं. मोहम्मद तनीम अली कह रहे हैं, कैन आई बाय रियलमी 6 और शुड आई वेट फॉर न्यू स्मार्टफोन अंडर 15K इन दिस मंथ? यू शुड गो फॉर द रियलमी 6 दिस मंथ, यू नो व्हाटएवर स्मार्टफोन इज लॉन्चिंग इट विल बी अबव 15K इन माय ओपिनियन. कैलाश कह रहे हैं आगे, भाई ये सैमसंग M31S, M51, M21S के बारे में कुछ न्यूज है क्या? श्योर ब्रदर, आपको जल्दी ही इसके बारे में न्यूज में अवेलेबल कर दूंगा. एज ऑफ नाउ तो A31 स्मार्टफोन कल लॉन्च होने वाला है इंडिया में, उसके बारे में कंफर्मेशन है. और दो स्मार्टफोन्स को मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, M01 और M11, वो भी लॉन्च हो चुके हैं. ये जिन स्मार्टफोन्स की आप बात कर रहे हो उनकी भी जल्दी ही न्यूज में लेके आपको दे दूंगा. अरुण रवानी आगे कह रहे हैं, सर एक बार प्रेम चोपड़ा की तरह ग्रीट कर दो प्लीज. ये बहुत बड़ी चीज आपने बोल दी है. सो आज कमेंट सेक्शन में जो भी बंदा मेरे को चाहता है कि मैं प्रेम चोपड़ा की तरह यू नो ग्रीट कर दूं, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा. अगर 100-150 कमेंट आ गए इस चीज को लेके तो डेफिनेटली मैं प्रेम चोपड़ा की तरह एक्ट करके आपको कल की वीडियो में दिखा दूंगा. आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ. एंड उजेर इज द कमेंटेटर ऑफ द डे. उन्होंने कहा, भाई सारी कंपनीज 5G फोन इंडिया क्यों नहीं लाती? iQOO Z1, Neo 3, Redmi 10X ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये 5G फोन है और इंडिया में 5G नहीं. 5G के नाम पर मत लाओ, फोन में सिर्फ 5G ही है क्या, दूसरी चीज नहीं है क्या? इस फोन में कितना बढ़िया SoC है उस पर लाओ 5G, तो बोनस है. आपको क्या लगता है? प्लीज कंपनी को बोलो. 16 लाइक्स ही इज गॉट. यस उजेर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, यू आर द कमेंटेटर ऑफ द डे. बट आपके कमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, दैट इज यू नो हम जो इंडियन कम्युनिटी है हम लोगों को खुद कई बार समझ नहीं आता हम क्या चाहते हैं. अभी पिछले महीने रंजीत की एक वीडियो आई थी जिसमें रंजीत कह रहे थे कि यार डू वी एक्चुअली नीड 5G. तो कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा था तो हम पूछ रहे थे कि डू वी एक्चुअली नीड 5G. और अब एक महीने बाद हम कह रहे हैं कि यार कंपनीज 5G स्मार्टफोन्स को इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च कर रही है. मैंने तब भी ये बात बोली थी, मैं अभी ये बात बोल रहा हूं. 5G, एज यू वेरी राइटली सेड, 5G शुड बी कंसिडर्ड एज एन एड ऑन. बट उसके साथ आपको लेटेस्ट जो प्रोसेसर मिल रहा है, उसके साथ लेटेस्ट आपको इंटरनल्स मिल रहे हैं, लेटेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं, वो भी तो हमें कंसीडर करना है कहीं ना कहीं. बट इसमें भी आप लोग कहेंगे कि यार डू वी एक्चुअली नीड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865, 730 में तो काम चल ही जाता है. तो फिर तो यार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 से भी काम चल जाता था हमारा पबजी में, उसमें भी थोड़े बहुत यू नो लैग्स वगैरह के साथ चला लेता था. मेरे iPad Air 2 जो कि मैंने 2015-16 में खरीदा था आई गेस, उसमें भी मैं पबजी खेल लेता हूं. तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें इवॉल्व होना पड़ता है. सो यू नो चेंज इज इनएविटेबल जस्ट लाइक थानोस. तो हमें 5G को जल्दी से जल्दी वेलकम करना ही पड़ेगा, हम इसको माने या ना माने. और वीडियो खत्म करते हैं स्टफ दैट यू शुड नो से. एंड स्टफ यू शुड नो में आज का कमेंट हमने पिक किया दिवेन गोहेल का. वो कह रहे हैं, द फर्स्ट एवर VCR वॉज द साइज ऑफ अ पियानो.
So, उन्होंने ये भी कहा था कि make it comment of the day. Comment of the day तो ये नहीं बन पाया, but this has become the stuff that you should know. So, yes, बहुत सारी बड़े-बड़े चीजें होती थी पहले, CD player से पहले VCRs होते थे. I don't know आप लोगों ने use किया कि नहीं किया, but मैंने personally use किया है. एक बारी पूरी की पूरी tape देख लो, उसके बाद उसको घुमाओ घुमा के पीछे करना पड़ता है, rewind करके, you know, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, rewind करना पड़ता था पूरा को पूरा. ऐसे नहीं कि यार आपने सीक बार को इधर से उधर कर दिया और आपकी वीडियो आप वापस से आप प्ले कर सकते हो. इट यूज टू बी टफ डेज बैक इन द डे. सो आई हैव बीन वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने VCRs में एक्चुअली में मूवीज वगैरह देख रखी हैं. What's your take on the VCRs and you know the old generation of technology? क्या आपने VCRs को use किया है? Comment section में आप हमें बता सकते हैं. Nevertheless, this is the stuff that you should know. So there you go guys, ये थी आज की video. I hope you like the video and the content. I hope you like the leaks. If you did like the video, don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. God bless you all. Peace. आज के लिए start करने से पहले थोड़ा बैठ जाओ जल्दी क्या है. पोल देख लेते हैं. कल हमने आपसे कोप डाला आपके लिए चीते की स्पीड और बाज की नजर और स्टफ लिस्टिंग के लीक्स आपको सबसे पहले ही देखने को मिलेंगे. इन पे कभी संदेह मत करना.